आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। आप ये जो रैली देख रहे हैं ये हरियाणा की है, और इस रैली में ये शरपसंद अनासर क्या कह रहे हैं जरा आप गौर से सुनिए। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अवाम में नफरत पैदा ना हो, लेकिन कुछ शरपसंद हमारे मुल्क की पुरमन फिजा को मुतासिर करने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। अब कौन इन्हें इतनी खुली छूट दे रहा है? आप लोगों ने देखा, एक पुलिस जवान ने जयपुर से मुंबई आने वाली ट्रेन में किस तरीके से इस आतंकवादी ने चुन चुन कर निशाना बनाया है तीन दाढ़ी वाले मुसलमान भाइयों को और एक हिंदू भाई को। जब से बीजेपी इख्तेदार में आई है ऐसी वारदातें मुसलसिल पेश आ रही हैं। कभी मुसलमान भाइयों को निशाना बनाया जाता है तो कभी दलित भाइयों को निशाना बनाया जाता है। आखिर हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? हमारे जो नेता और लीडर होते हैं ये फिरका परस्ती यानी कि हिंदू मुसलमान भाइयों में नफरत बांटने की जो तकरीरें करते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रहो। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खाली करते हैं हसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। खाली करते हैं हसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। खाली करते हैं हसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। खाली करते हैं हसी को, वरना उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना, इन रेडी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेडी वाला होगा तो उसके साथ जो इंजाम होगा दो दिन बाद उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।